हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू ये वीडियो आई होप यूल डूंगा से तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि आज की वीडियो क्या होने वाली है सो so, जब से मैं ऑफिस जाने लगी हूँ मुझे बहुत डी एम्स आ रहे हैं आप लोगों के कि, कि आप अपने हेयर कैसे करते हो क्योंकि मैं स्ट्रेटन अपने बाल करती हूँ एंड यू नो दैट माई नेचुरल हेयर इज वेरी वेवी एंड कर्ली सो यू गाइज आस्क मी कि मैं अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ उसके बाद मेरे बाल फ्रिजी क्यों नहीं होते सो दैट इज वट आई एम गैन टेल यू इन टू डेज वीडियो एंड ऑल्सो आई एम गी क्रिएटिंग दिस लुक दिस इज़ द एग्जैक्ट लुक जो मैं अपने ऑफिस में एवरी डे कर रही हूँ एक मंथ से मैं ऑफिस जा रही हूँ एवरी डे आई वेयर दिस मेकअप एंड इट स्टेज फॉर थर्टीन आवर्स एंड Literally, I mean it when I say 13 hours. Like I'm out from my house for 13 hours, and when I come my bapis back my face is exactly the same, other than the oil that uh, comes here. So blot, but other than that, I do not touch up my makeup and it stays put all throughout the day. But lipstick after I have to touch up. That is different. But this base will stay for 12-13 hours, and it looks very very natural. It does not look like overly done. My acne marks are peeking through. लिटिल विथ क्योंकि अगर मैं पूरा ही कवर कर दूंगी देन इट विल लुक वेरी शादी टाइप्स फुलवी ग्लैम मेकअप सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट मेकअप लुक दैट यू कैन कैरी टू यफिस एंड योर कॉलेजेस यस इफ इट्स समथिंग दैट इंटरेस्ट यू देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज टेकआउट मोमेंट एंड हिट दै रेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बिल राइट नेक्स्ट विदरी टाइम आई अपलोड अवीडियो यू गेट नोटिफाइड ना विदाउट एनी फर्द ब्लैबरिंग राइट इन द वीडियो टू बिगिन विथ सबसे पहले मैं अपने बाल स्टाइल करती हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल गो ऑन टू द मेकअप एंड मोस्टली जब मैं अपने बाल स्टाइल करती हूँ लाइक like मैं

तो सबसे पहले मैं अपने बालों को ऐसे सेक्शन में डिवाइड कर लेती हूँ लाइक like, टॉप सेक्शन बाद में करूँगी पहले बॉटम सेक्शन कर लूँगी इससे क्या होता है कि बाल सारे के सारे इवनली स्टाइल हो जाते हैं एंड द स्टाइलिंग लास्ट लॉन्ग एंड लुक्स बिट मोर नीट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्टाइलिंग इस तरीके से करूँ कि मेरे बालों में फ्रिज कम से कम हो बिकॉज एनी वेज आई हैव लाइक करली हेयर एंड मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हैं इन जनरल ओनली तो सबसे पहले तो आई कंडीशन में हेयर प्रॉपरली एंड बिकॉज मैं हफ़्ते में एक ही बार यू नो हेड वॉश करती हूँ तो आई ट्राई यूजिंग हेयर मास्क इंस्टेड ऑफ कंडिशनर तो उससे ऑलरेडी फ्रिज काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट होता है एंड देन आई यूज़ लाइक अ माइक्रो

स्प्रे ओके okay. ये आपके बालों को हीट डैमेज से प्रोटेक्ट करता है एंड इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ लाइक like ये पूरा खत्म ही हो चुका है दिस इज द सेकेंड बॉटल दैट आई हैव टीड एंड आई रियली रियली लाइक इट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको सीरम टाइप में कुछ यूज़ करना है तो जो लॉरियाल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला सीरम है ना वो बहुत अच्छा है इट इज ऑल्सो हीट प्रोटेक्टेंट तो हीट प्रोटेक्टेंट लगाना कभी भी मत भूलना बिकॉज हीट प्रोटेक्शन अगर आप नहीं दे रहे अपने बालों को तो हीट के वजह से योर हेयर कैन गेट ड्राई एंड फ्रीजी सो मेक श्योर टू यू नो प्रोटेक्ट दैम उसके बाद आप अपना स्ट्रेटनर ऑन कर लो अभी मेरा स्ट्रेटनर काफ़ी ज़्यादा पुराना है सो so, इसमें वो हीट टेम्परेचर वगैरह की सेटिंग्स नहीं है सो या आई हैव टू डू विद दिस ओनली बट अगर आपके पास ऐसा स्ट्रेटनर है जिसमें टेम्परेचर सेटिंग्स हैं तो ट्राई कीपिंग इट ऑन मीडियम डोंट गो ऑन हाई हाई कर्ल्स वगैरह के लिए सही रहता है स्ट्रेट हो जाते हैं मीडियम पे भी अच्छे से एंड नाउ व्हाट यू गोना डू इज़ ये जो मैंने देखो ऐसे करके क्राउन वाला सेक्शन ऊपर uh, बांध लिया है एंड नीचे ऑल यू गोना डू इज यू गोना डीटांगल योर हेयर एंड छोटे छोटे सेक्शंस लो एंड एक बार मैं इस तरीके से रन कर लेती हूँ स्ट्रेटनर एंड देन वट आई डू इज़ आई गो थ्रू इट अगैन एंड इस टाइम पे मैं ज़्यादा टाइटली प्रेस करके बहुत धीरे धीरे बालों में नीचे आती हूँ इससे क्या रहता है कि हीट पूरे अच्छे से इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होती है मेरे बालों में एंड माई हेयर स्ट्रेंथ आर पोकी स्ट्रेट सिलो के दिस दिस इज वट यू गेट एंड आई लाइक दिस अगर आपको लगता है कि आपको एक और बार जाना है यू you नो know, आपको लग रहा है कि नहीं अभी पूरे नहीं स्ट्रेट हुए हैं सो यू कैन गो वंस अगैन तो so, इसी तरीके से लाइक like, मैं अपना पूरा नीचे वाला सेक्शन स्ट्रेटन कर लेती हूँ आई टेक माई ओन स्वीट टाइम वाइल आई डू दिस प्रोसेस एंड जब आप अपने बाल स्ट्रेट कर रहे हो लाइक like, अभी मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ तो मुझे उतने ज्यादा यू नो फ्लाई अवेज ऑफ फ्रिज नहीं दिख रहा है यू कैन सी माई हेयर लुक्स वेरी वेरी स्मूथ नाउ दैट इज बिकॉज ऑफ माई हेयर केयर रूटीन बट अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रेटन करने के बाद भी आपके बाल फ्रिजी लग रहे हैं लाइक like, स्ट्रेट तो हो गए हैं बट लाइक दे आर लैकिंग द शाइन और मे बी दे आर वेरी फ्रिजी एंड यू नॉट लाइक द फाइनल ओवरऑल लुक तो उसके लिए मैं अब भी बस कुछ देर में ही आप लोगों को बताने वाली हूँ कि उसको आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है बट उससे पहले हम लोग अपने बाल स्ट्रेट कर लेते हैं सो नाउ यू कैन सी कि मेरे नीचे के सारे बाल स्ट्रेट हो गए एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दे लुक सो अभी क्योंकि नीचे के बाद स्ट्रेटन हो गया नाउ आई विल वर्क ऑन माई क्राउन सेक्शन तो जो क्राउन सेक्शन था उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ अगेन बिकॉज यहाँ पर मेरे ज़्यादा वॉल्यूम है सो so, एक सेक्शन मैंने यहाँ पर टाई कर लिया है अभी मैं इस साइड पर वर्क करूँगी सो इस सेक्शन में मैं पीछे से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज दैट इज़ मोर कन्वीनियंट तो मैं पीछे से छोटे छोटे सेक्शन लूँगी एंड आई विल स्टार्ट स्ट्रेटनिंग दैम जस्ट द वे मैंने नीचे वाले किए थे लाइक वंस आई

नाउ दैट माई एंटायर सेक्शन इज डन अभी ये जो फ्रंट वाला पीस बचा है इसको राधा दिन लाइक ऐसे स्टाइल करने के हॉरिजोटली स्टाइल करने के बजाय आई स्टाइल इट डाउनवर्ड्स लाइक वर्टिकली एंड वट आई डू इज फर्स्ट आई विल रन थ्रू एंड नाव वो जो टाइटली मैं स्ट्रेटन करती हूँ वो मैं फ्लिप करके आई विल डू इट ऊपर की तरफ लाइक दिस इससे क्या होगा मेरे क्राउन सेक्शन पे काफ़ी एक अच्छा वॉल्यूम आता है जस्ट लुक एट दिस लुक एट द वॉल्यूम एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल सो या दिस इज हाउ आई स्ट्रेटन अप माय हेयर अभी जो मैंने इस साइड पे किया है वही एग्जैक्ट चीज़ आई डू ऑन दिस साइड एंड देन आई विल गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जिससे कि आपके बाल स्ट्रेट करने के बाद फ्रिजी नहीं लगेंगे एंड यू विल गेट दैट ब्यूटीफुल लॉन्ग स्ट्रेट एंड शाइनी हेयर सो या आई बी बैक इन अ बिट ओके सो यू कैन सी कि अभी मैंने अपने सारे बाल स्ट्रेट कर लिए एंड आईव गॉट ब्यूटिफुल वॉल्यूम योर एकदम मेरे क्राउन पे एंड इट लुक्स गॉर्जियस राइट तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने बालों को जिस तरीके से वेयर करते हो लाइक विच एवर पार्टिशन यू लाइक आई प्रेफर सेंटर पार्टिशन नाउ तो मैं इसी तरीके से इनको छोड़ देती हूँ बट इफ़ यू लाइक टू यू नो पार्टीशन योर हेयर वॉट आई सजेस्ट यू टू डू इज जिस पार्ट योर हेयर जिस भी डिरेक्शन में आपको करना है ठीक है एंड देन एक बार टेक दिस टॉप सेक्शन एंड इसको इस तरीके से ऊपर स्ट्रेट करो एंड देन लेट इट फॉल तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देगा ऑल दो इस तरीके से भी आपको अच्छा वॉल्यूम मिला है बट देन उससे आपके और यहाँ पर भी एक बार रन कर देना सो उससे आपकी पार्टीशन अच्छे से सेट हो जाएगी लाइक माइंड इज़ Perfectly set ऐसे, so my hair falls really beautifully जब मैं center part करती हूँ तो and uh, yeah this being done अगर आप अभी देख रहे हो notice कर रहे हो अपने बालों में कि आपको frizz हो रहा है after straightening your hair so what you gonna do is you are going to take a serum so I will be using this one ये है BBLAND का intense moisture hair serum एंड अगैन uh, अगर आप लोगों के पास लॉरियाल पैराडा पैरिस पैराडाइज पता नहीं कौन सा है उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला है तो दैट इज़ द बेस्ट बट मुझे ये भी फिनिश करने ये वेस्ट हो जाएंगे बट दिस इज़ ऑल्सो गुड नॉट बैड तो मैं बहुत थोड़ा सा लाइक टू थ्री ड्रॉप्स आपने लेना है ज़्यादा नहीं वन यूर हैविल गेट ऑयली एंड अच्छे से यू नो रब इट बिटवीन योर पार्मस एंड नाओ रन इट थ्रू लाइक बहुत ही ढीले तरीके से एंड स्कैल्प के पास तो बस इस तरीके से अपने हाथ फिरा देना क्योंकि स्कैल्प ऑयली नहीं करना है हम लोगों को एंड फोकस दिस मेनली अपने मिथ्स एक्शन से ले कर एंड्स तक अच्छे से इसको अपना सीरम लगा दो एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस लाइक दिस साइड मेरे फ्रिज नहीं है उतना बट देन दिस साइड इज लुकिंग यू नो थोड़ा डल एंड दिस साइड इज़ लुकिंग सुपर शाइनी एंड या सो दिस इज़ द डिफरेंस डैट यू गेट जब आप सीरम लगाते हो आपका फ्रिज टेम हो जाएगा एंड आपके बालों पर बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी लेकिन बहुत थोड़ा सा सीरम लगाना है अगर आपके पास ड्रॉपर वाला है तो एक दो ड्रॉप अगर पम्प वाला है तो सिर्फ एक पम्प इज़ इनाफ सो या और स्कैल्प के पास में तो बहुत हल्के से करना एंड देन मिड्स एंड एंड में अच्छे से सीरम लगाना बिकॉज हमारे मिड्स एंड एंडस सबसे ज्यादा ड्राई होते हैं एंड वंस दैट इज डन सो दिस इज हाउ आई स्टाइल माई हेयर ऑफिस के लिए इट लुक्स गुड लाइक स्ट्रेट हेयर फ्रेम्स माई फेस वेल एंड इट फॉल्स ब्यूटिफुली एंड इट इज़ वेरी यू नो लेस हैसल टू मैनेज सो या दिस इज़ हाउ आई डू माई हेयर एंड नाउ मूविंग ऑन टू द मेकअप ओके सो मैंने अपने हेयर पिक्चर टाई कर लिया सो दैट दे डोंट कम इन द वे आई लाइट डू माई मेकअप तो मेकअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किन प्रेप होता है एंड थर्टीन आवर्स में इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर स्किन प्रेप प्रॉपरली आपका मेकअप केक ही हो सकता है हट जाता है कई कई जगह से यू नो ऑल दो थिंग्स सो या स्किन प्रेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउ वन थिंग यू मेक श्योर वाई यू आर डूइंग मेकअप फॉर लाइक ऑफिस इन ऑल जहां पे आप इतने लंबे टाइम के लिए मेकअप वेयर कर रहे हो एंड ऑल्सो ऑफिस है तो यू डोंट वॉन्ट न गो इन विद लाइक अ हैवी बेस एंड यू नो स्मोकी आईज एंड ऑल दैट शेड बट या सो वॉट आई डू इज आई डू अ लॉर ऑफ स्किन केयर एंड and then a very light layer of makeup. ताकि मेरा फेस इट लुक्स पुट टुगेदर एंड ऑल थ्रू आउट द डे बिकॉज मैं एक ऑयली स्किन टाइप हूँ तो अगर मैं मेकअप ना करूँ लाइक आई एम ओके विद माई स्किन एज इट इज़ इज़ वेल बट इफ आई डोंट डू मेकअप तो पूरे दिन में माई स्किन ऑयल एंड देन माई स्किन कलर गेट्स डल एंड डल एंड डल सो या दैट इज़ समथिंग आई डोंट लाइक दैट मच सो इसलिए आई जस्ट पुट ऑन अ लाइट लेयर ऑफ मेकअप एंड आई लुक गुड एंड आई फील कॉन्फिडेंट सो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया यूजिंग दिस फेस वॉश

तो सबसे पहले मैं हाइलोरॉनिक एसिड लगाती हूँ नाउ दिस इज समथिंग न्यू बिकॉज मैं हाइलोरॉनिक एसिड मोस्टली रात में यूज करती हूँ बट अभी जब से मैं ऑफिस जाने लगी हूँ यूज इट बोथ द टाइम्स क्योंकि अगेन इज सेड वियरिंग मेकअप फॉर थर्टीन आवर्स कैन ड्राई आउट योर स्किन एंड ऑल्सो बिकॉज बाहर काफ़ी ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन सब कुछ है तो उससे भी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील करने लग जाती है So, yeah, I apply like hyaluronic acid and then I go in with my usual vitamin C serum. Now, my moisturizer. Moisturizer, I prefer something very, very lightweight and gel type because, again, oily skin. So, I avoid putting anything very, very heavy on my face. अर्ली इन द मॉर्निंग तो बहुत ही ज़्यादा लाइट सा ये वाटर टाइप का मॉइस्चराइजर है तो इसको लगा लिया है ना एवन लेट इट सिंक इन टू माई स्किन प्रॉपरली अभी सनस्क्रीन लगाएंगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है तो मैं भर भर के सनस्क्रीन लगाती हूँ बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे रीअप्लाई करने को मौका नहीं लगता है एंड एनी वेज आई सिट इन साइड माई ऑफिस ओनली मैं ज़्यादा धूप में बाहर नहीं जाती हूँ आई ट्राई टू री अप्लाई एंड मोस्टली मैं कर लेती हूँ बट इन केस मैं कभी भूल भी जाऊँ तो और सुबह तो मैं लगा के जाती ही जाती हूँ एंड आज कल मैं ये डॉटिन की का वाइटामिन सी वाला सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ बिकॉज मैंने इसको ट्राई करके देखा है एंड इट डज़ नॉट पील अंडर द मेकअप मुझे छोटे छोटे ऐसे बॉल बॉल से होने लग जाते ना यू करने में ये नहीं होता है एंड इट्स इट्स ब्यूटिफुली अंडर द मेकअप लाइक सनस्क्रीन और मेकअप का ना कॉम्बिनेशन परफेक्ट बिठाना काफी ज़्यादा मुश्किल होता है सो दिस इज़ ऑल दैट आई डू फॉर माई स्किन प्रेप एंड इट हैज़ बीन मोस्टली द सेम सिंस द पास्ट वन मंथ जब से मैं ऑफिस जा रही हूँ एंड मेरा मेकअप रूटीन हैज़ ऑल्सो बीन द सेम फॉर द पास्ट थ्री वीक्स जब से मैं ऑफिस जा रही हूँ एंड इट हैज़ बीन वर्किंग वेरी वेरी वेल फॉर मी सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले मैं ये प्राइमर लगाती हूँ प्राइमर के लिए तो मैं मोस्टली कुछ भी लगा लेती हूँ जो मेरे हाथ पे लग जाए uh, तो मैं अभी ये शुगर का आजकल यूज कर रही हूँ स्टिक वाला प्राइमर एंड यस इट ब्लर्ज इन मैटिफाइज माई पोर्स सो मैं इसको सिर्फ़ अपनी टी जोन पर लगाती हूँ बिकॉज़ वहीं पर मुझे सबसे ज़्यादा ऑयल एंड पोर्स का प्रॉब्लम है सो so, इसको लगाने से लाइक like, मेरी स्किन और फाउंडेशन के बीच में एक लेयर बन जाती है सो so, थोड़ा ऑयल सिक्रीशन वगैरह ऑक्सीडेशन वगैरह में हेल्प लगता है प्राइमर से एंड देन आई एम गनी यूज़ दिस फाउंडेशन नाव फाउंडेशन के लिए वॉट आई एव बिन डूइंग इज मैं इसका हाफ पम्प लेती हूँ नॉट इवन अ फुल पंप लाइक ओनली दिस मच एंड या तो मैं इसे डायरेक्टली लगा लेती हूँ अभी तो जैसे मेरी स्किन इज फीलिंग गुड तो मैं इसको डायरेक्टली लगा लेती हूँ बट इफ माई स्किन इज फीलिंग ड्राई एंड यू नो पता चल जाता है कि स्किन पे नहीं अच्छे से मेकअप सेट कर रहा है ड्राई हो जा रहा है केकी हो जा रहा है तो वॉट यूल डू इज टेक केयर दिस फाउंडेशन एंड देन एड इन योर मॉइस्चराइजर थोड़ा सा नाउ इस स्टेप में अगर आप एक ऑयली स्किन टाइप पर्सन हो तो आई वु से गो फॉर वाटर बेस्ड यू नो जेल टाइप का मॉइस्चराइजर जैसे कि मैंने लिया है बट इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन टाइप गो फॉर अ थिकर मॉइस्चराइजर एंड ऑल्सो अगर आप यू नो ड्राई स्किन हो एंड यू आर यूजिंग अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो आपका फाउंडेशन का शेड है ना वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली लाइक जो हमारे क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर होते हैं वो मोस्टली वाइट होता है ना तो उससे वो थोड़ा सा फाउंडेशन का uh, एक टोन लाइट कर देते हैं उसको सो या जस्ट मेक श्योर कि अगर आप वाइट वाला वो लगा रहे हो सो so आप थोड़ा सा डार्कर फाउंडेशन भी उसमें काम चला सकते हो एंड ना यू गिन ब्लैंड तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजिल ब्लैंड भी हो जाता है एंड बिकॉज हमने इसमें मॉइस्चराइजर ऐड किया है तो मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब होगा ना तो आपका फाउंडेशन आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से सेट करेगा एंड योर स्किन विल नॉट गेट ड्राई थ्रू आउट द डे एंड देन आपका फाउंडेशन के भी नहीं होगा सो so, मैं तीन हफ्तों से यही अपना बेस रूटीन कर रही हूँ एंड इट हैज़ बीन वर्किंग रियली रियली गुड इधर इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो इन विद अ कंसीलर बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कंसीलर की नीड नहीं है एंड कंसीलर आपकी स्किन को केकी कर रहा है क्रीज कर रहा है तो आप क्या करोगे थोड़ा सा वही फाउंडेशन लेके जैसे मेब्लिन का फिटमी फाउंडेशन है ना इट इज़ मीडियम कवरेज सो इट वर्क्स वेल तो मैं इसको क्या करती हूँ थोड़ा सा जैसे मेरे जहाँ जहाँ पे एक्ने मार्क्स वगैरह हैं मैं वहाँ पर हल्का सा ले लेती हूँ लाइक आपने देखा होगा कि मैंने इसका वन टेंथ पंप भी नहीं लिया है तो मैं वही थोड़ा थोड़ा सा डॉट कर लेती हूँ लाइक बहुत ये बहुत ही कम मैं यूज़ कर रही हूँ एंड देन यू विल ब्लेंड इट इस टाइम पे हमने इसे जब मॉइस्चराइजर से मिक्स नहीं किया है तो इसकी कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा रहती है सो यू कैन यूज़ इट एज अ कंसीलर एंड क्योंकि कंसीलर जितना ही थिक नहीं है सो इट विल नॉट क्रीज़ ठीक है बट इसको वहीं वहीं पे यूज़ करना जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है बट वरना अगर आपने पूरे ही फेस पे दोबारा से एक और लेयर लगा दी तो अगेन यू नो योर बेस कैन टर्न की देखो अभी मेरा बेस हो गया एंड इट डज नॉट लुक टू ओवरली डन बट देर इज अ ब्यूटिफुल ग्लो एंड माई इंटायर फेस इज वन टोन लाइक पूरा इवन टोन हो गया है देर आर नो डिफरेंट कलर्स एंड यूज योर सेम शेड सो दैट योर नेक एंड योर फेस मैच अभी मैंने ये हैना हैना ब्यूटी का ब्लश रूज यूज करती हूँ बेसिकली इट इज़ अ ब्लश लाइक अ लिक्विड और क्रीम ब्लश सॉर्ट सॉर्फ थिंग एंड जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है आई हैव बीन यूजिंग ओनली एंड ओनली दिस एक तो इसका शेड देखो इतना सुंदर कॉरल ऑरेंज एंडर टोन्स पिंक टाइप का कलर है बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल लगता है एंड ओ माई गॉड द पिगमेंटेशन इज क्रेजी लाइक आई हैव बिन अपसेस्ड विद दिस ब्लश एंड मैं तीन हफ्ते से ऑफिस जा रही हूँ मैंने इस ब्लश के अलावा और कोई ब्लश यूज़ नहीं किया लाइक दिस इज़ माय फेवरेट इसकी ब्लेंडेबिलिटी देखो लाइक like, मैं ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर देती हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पचास ब्रश खोल के बैठूँ यहाँ पे मेकअप करने सो so, मैं इसको फटाफट से इसी तरीके से ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ एंड लुक एट इट इतनी सुंदर तरीके से ब्लेंड होता है एंड द शेड लुक सो ब्यूटिफुल मैं इसको पाउडर ब्लश से भी टॉपअप नहीं करती हूँ एंड आई केड यू नॉट यू नो ट्रस्ट मी वैन आई से कि दिस ब्लश लास्ट मी द एंटायर डे अभी मैं शुगर का पाउडर यूज़ करती हूँ दिस इज द शुगर का कॉम्पैक्ट पाउडर ये बनाना वाला है बनाना कॉम्पैक्ट दिस इज पावर पाउडर प्ले बनाना कॉम्पैक्ट ठीक है आई इफ यू कैन सी हैव हिट पैन ऑन दिस आई हैव बिन यूजिंग इट एवरी सिंगल डे ना इसकी खास बात क्या है कि मुझे ना कॉम्पैक्ट्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं बिकॉज आई मेन ऑयली स्किन टाइप पर्सन एंड कॉम्पैक्ट्स आर गुड फॉर ड्राई स्किन ठीक है क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत ऑयल कंटेंट होता है मेरे स्किन को नहीं सूट करता उतना ज़्यादा कभी कभार मैं टचअप के लिए यूज़ कर सकती हूँ बट आई डोंट प्रेफर यूजिंग कॉम्पैक्ट दे डोंट वर्क वेल फॉर माई स्किन तो मैं लूज पाउडर्स ही यूज़ करती हूँ एंड लूज पाउडर्स लाइक बहुत अच्छे से आपका मेकअप सेट कर देते हैं एंड ऑल दैट थिंग विदाउट गिविंग यू एनी एक्स्ट्रा कवरेज एंड आपका मेकअप के की भी नहीं होता है तो ये वाला जो पाउडर है ना अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो इसको यूज़ करके मुझे ऐसे लगता है लाइक आई एम यूजिंग अ लूज़ पाउडर इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्पैक्ट लाइक इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक द रेगुलर कॉम्पैक्ट जैसे फिटमी वगैरह के कॉम्पैक्ट होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं एंड वो आपको अच्छा एक कवरेज भी दे देते हैं ये बिल्कुल ऐसा है कि आपका लूज़ पाउडर को कॉम्पैक्ट के फॉर्म में दे दिया है एंड इसके दो वेरिएंट्स हैं एक तो ट्रांसलूसेंट वाला है एक ये बनाना वाला है अगर आप फेयर स्किन हो तो यूज़ द ट्रांसलूसेंट वाला इफ़ यू आर लाइक मीडियम डस्की स्किन टोन तो यूज़ दिस वन इट यू नो मैचेस माय अंडरटोन आल्सो एंड इट डज़ नॉट लुक वाइट और एशी आई विल डू माय ब्राउज लाइक ब्राउज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसपे मैं सबसे ज़्यादा यू नो फोकस रखती हूँ बिकॉज आई डोंट डू अ लॉट टू माई बेस और लाइक आई डोंट डू एनी थिंग टू माई आईज एट ऑल तो ब्राउज अगर अच्छे से आप डिफाइन कर लो तो आपका फेस का ना शेप अच्छा लगता है एंड द टायर लुक कम्स वेरी पुट टूगैदर टाइप्स सो इट लुक्स गुड इफ़ योअर ब्राउज आर डन प्रॉपरली बट अगेन आई डोंट हैव मश टाइम इन द मॉर्निंग तो आई डोंट टेक अ लॉर ऑफ टाइम सिर्फ मैं उसको पोली से ब्रशअप करके जिस शेप में मेरी आईब्राउ है उसी शेप में जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं उनको मैं फिल कर लेती हूँ फॉर माई आई द ओनली थिंग दैट आई यूज इज अ मस्कारा एंड मोस्टली आई लाइक यूजिंग दिस वन ये मनीष मल्होत्रा वाला मस्कारा है ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज इट डज़ नॉट गिव एन ए ड्रास्टिक इफेक्ट लाइक आप इसको लगाओगे तो योर लैशेज वुड बी सेपरेटेड अ बिट ऑफ वॉल्यूम बट नॉट टू मच तो माई आई ब्राउस डोंट लुक ओवरली डन एंड आई डोंट लाइक दैट फॉर एन एवरी डे बेसिस एंड दैट टू फॉर ऑफिस तो इसलिए ये वाला मस्कारा आई फील इज द परफेक्ट एंड मैं एवरी डे इसी को यूज करती हूँ एंड इट स्टेज वेल लाइक आई अगैन डोंट टच अप माई मस्क आई डोंट टच अप माई मेकअप इन ऑफिस नीचे वाले लैशेज पे तो मैं हल्का सा बस से टच कर लेती हूँ ताकि दे लुक लाइक दैट देर बट नॉट टू मच सो दिस इज ऑल दैट आई डू फॉर माई आईज सो so, लिप्स के लिए लाइक यू कैन हैव अ लॉर ऑफ ऑप्शन विद दिस लुक क्योंकि आपने बेसिकली अपने फेस पे कुछ ज़्यादा किया नहीं है तो पिंक्स रेड्स पीच ब्राउन्स कोई भी टोन्स आप यूज कर सकते हो मैं सुबह इतनी जल्दी निकल जाती हूँ ना कि आई हैव नॉट गॉरन टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद माई लिप शेज तो मैं यही लिपस्टिक यूज कर रही हूँ डे वन से दिस इज़ द फिफ्टीन बेस्ड टर्नर शुगर की नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक है ये

and this is my office look so now you know how i get ready for my office so yeah if you also are you know about to go to office or college this is the look that you can go for it looks very very natural and yet it looks like you have put in some efforts to you know not just getting your ass up from the bed and move to your office or college just put in some efforts and entire day you'll feel confident and barber बालों को या फेस को टच अप करने की नीड नहीं पड़ेगी सो या दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड ले मी नो इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो हाउ यू लाइक माई लुक एंड इफ यू वॉन्ट एनी अदर वीडियो वो भी नीचे कॉमेंट बॉक्स में छोड़ देना इफ यू लाइक टू डेज वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड इफ यू एम नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट प्लीज़ हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट व्यूट सो दैट एट टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो दिल दिन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय